पहले आपको बताएं कि नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरिस मुतारिफ करवा दिया है और नादरा का कहना है कि आयरिस निज़ाम उंगलियों के निशानात चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों से मुंसलिक किया जाएगा। एजाज सैयद के पास इसकी मज़ीद तफसील है। एजाज बताएँ। एजाज सैयद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरिस मुतारिफ कराया है, इसकी तफसील जानते हैं एजाज सैयद से। जी एजाज। जी बिल्कुल, नादरा की तरफ से एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है जिसे आयरस शिनाख्ती निज़ाम कहा जाता है। ये आंखों की पुतलियों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक की जाती है। इस निज़ाम के जरिए किसी भी शख्स की जो शिनाख्त जो है शिनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज है उसकी तस्दीक के लिए अब जो नादरा है वो आयरस सिस्टम को भी इस्तेमाल करेगी और इससे जो गैर कानूनी जो शिनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं उनकी तदारक में मदद मिलेगा और जो बाज शहरी जो दूसरे शिनाख्ती कार्ड बनाते हैं उस पर भी काबू पाया जाएगा। आयरिस निज़ाम को इस्तेमाल किया जाएगा, साथ साथ जो उंगलियों के निशानात हैं और चेहरे की जो शिनाख्त है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में आजमाइशी जो तजर्बा है उसको कर लिया गया है और हमें जराए ने बताया है कि DHA कराची में नादरा जो मेगा सेंटर है वहाँ पर आयरिस सिस्टम का आगाज भी कर दिया गया है और मरलावार बुनियादों पर इस टेक्नोलॉजी को मुल्क भर में जो नादरा के 700 से ज्यादा मराकज हैं उन पर भी मुतारफ करवा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज तफसील देने के लिए।